भाजपा सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री टकरा मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें रायपुर से। पर चमकने वाला था, लेकिन 44 सालों का यह सफर आसान नहीं था। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने के सफर में कभी दो सांसदों के साथ हमने अपना संघर्ष जारी रखा, तो कभी अल्पमत में आने को लेकर संसद में परिहास सहा। परंतु एक चीज कभी नहीं बदली, वो थी भाजपा कार्यकर्ताओं का जीवट मनोबल। ये कार्यकर्ताओं का ही संकल्प था जिसके चलते दो सांसदों वाली पार्टी 303 सांसदों के साथ बहुमत में आई। ये कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है जिसके चलते हम आज इस नए भारत, सुदृढ़ भारत, अपने विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर निरंतर चलते जा रहे हैं। जब हिंदू समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी, तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के झंडे तले देश, समाज और अपने आराध्य श्री राम के लिए एकजुट हो संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के लिए नहीं बल्कि एक विचारधारा के लिए समर्पित है, और राष्ट्रप्रेम की उसी विचारधारा के लिए कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का ही परिणाम था कि 1984 से 1996 आते आते भारतीय जनता पार्टी गलियों से सत्ता के गलियारे तक पहुंची। छल कपट ने पीछा नहीं छोड़ा, सरकार गिरा दी गई, परंतु वो हमारे हौसलों को नहीं गिरा पाए। 1999 में एक बार फिर से राष्ट्रवाद का परचम लहराया और अटल जी की सरकार बनी। समस्त कार्यकर्ताओं की अटूट प्रतिज्ञा के चलते बनी सरकार ने देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य किया। साल 2004 से 2014 तक भले ही हम केंद्र की सत्ता में नहीं रहे, परंतु राष्ट्र निर्माण के संकल्प को भाजपा के एक भी कार्यकर्ता ने विस्मित नहीं किया। संघ की मजबूती और देश प्रेम की भावना का परिणाम 2014 की अभूतपूर्व विजय के रूप में सामने आया। 2014 के बाद से एक राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। महाभारती की सेवा के लिए समर्पित, लोकहित के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली भाजपा ने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, महिला, युवा, किसान, आदिवासी सबका साथ देते हुए सबके विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जैसे भारत ऐसे ही भाजपा भी। भाजपा एक परिवार है, कार्यकर्ता ही उसकी पूंजी है, जिनकी मेहनत और संघर्ष के दम पर आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेकर कामाख्या तक हर ओर भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम था कि 2014 में जब राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़ते हुए 18 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और फिर 2019 के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान से ये संख्या बढ़कर 18 करोड़ के पार हो गई। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज 13 राज्यों में कमल खिला है। ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, तो वहीं केरल में भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की। भाजपा की आत्मा में देश प्रेम और भारत की अखंडता और संप्रभुता निहित है। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ना हो, कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, या फिर देश की सुरक्षा पर हमला करने वाले आतंकियों को घर में घुसकर मारना हो, देश की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा भाजपा सरकार के लिए सर्वोपरि है। भाजपा मूल निहित है अंत्योदय। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा कार्यकर्ता भी विश्वास करता है कि वो अपनी मेहनत, अपनी शक्ति और अपने संकल्प के जरिए जन सेवा के लिए सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर भी पहुंच सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना हो, या बाबा साहेब से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों का विकास, भाजपा ने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए कई अनेक कदम उठाए। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बाद आजादी के 70 सालों बाद देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति पर भाजपा ने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज को सम्मान देने का काम किया। भाजपा सदस्यता अभियान में सीएम विष्णुदेव साय का संबोधन, संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद है। देखिए लाइव तस्वीरें। पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और ये जो सदस्यता
अभियान है। एक हमार प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अनुराग सिंह जी और समिति के सबो टीम के सदस्यगण और आज के एक गौरवशाली क्षण में उपस्थित हमार सबो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मीडिया के साथी मन, सबकर ले पहली आज के महापर्व में आप मन के मुख्यमंत्री के नाते में हृदय से आप मन के स्वागत करत हूं, आप मन के अभिनंदन करत हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महापर्व और इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ में होते थे, वो अवसर में हमन आज एकत्र हुए हैं। और आप सबला मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जनसंघ पार्टी से शुरू हुए है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी 21 अक्टूबर 1951 के भारतीय जनसंघ पार्टी के स्थापना करे रही से उमन के कहना रही कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और ये बात के लेते हुए 21 अक्टूबर 1951 के भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना करे रहीन और उमन के वो बलिदान भी होगी। आज ये जनसंघ पार्टी के यात्रा चलते हुए आप मतलब मालूम है कि इमरजेंसी के बाद में 1977 में जनता पार्टी के सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बने रही से, लेकिन 2.5 साल में ही नेशन फर्स्ट ये बात के लेते हुए जनसंघ पार्टी जनता पार्टी से अलग होगी और 6 अप्रैल 1980 के भारतीय जनता पार्टी के स्थापना हुई। हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी वो पहला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनीन और तब से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई। एक समय ऐसा भी आई 1984 में कि हमार पार्टी के मात्र 2 सांसद होत रहीन और वो समय कांग्रेस सरकार के एक नारा चलत रही से स्वास्थ्य विभाग के कि हम दो हमारे दो, तो कांग्रेसिया मन, कांग्रेस के नेता मन, कांग्रेस के सांसद मन हमार अटल जिला देख के चिढ़ाए कि कैसे अटल जी हम दो हमारे दो। लेकिन दूरदृष्टा हमार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के निर्माता वो दूरदृष्टा रहीन, वो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य ला जानत रहीन और कहत रहीन कि ठीक है हंस लो, आज तुम लोगों का समय है लेकिन एक समय हम लोगों का भी आएगा। और कहीन कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज कमल खिल किस ना, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी होगी। आज अटल जी के नेतृत्व में सरकार चली, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 3 बार ये देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलत है। देश के 13 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अकेले के दम पर और कई राज्य में साझा सरकार चलत है। तो आज कभी 1984 में 2 सांसद और आज कितना बड़े 303 सांसद तक अकेले भारतीय जनता पार्टी के पहुंच गए और ये सब काकर बदौलत हुई से।